आजकल के बच्चे स्मार्टफोन की वजह से इस खतरनाक बीमारी का शिकार क्यों हो रहे हैं इसकी एक बड़ी वजह है कि बच्चों को कई घंटे तक स्मार्टफोन देखते रहने की लत है इस बीमारी ने इसी वजह से इन्हें अपनी चपेट में ले रखा है और बच्चों की आंखों में माओ पिया की बीमारी बढ़ा दी है आज की रिसर्च बताती है कि पिछले 20 सालों में माओ पिया के मामले बच्चों में तीन गुना बढ़ गए हैं सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि साल 2011 से 2021 के बीच सबसे ज्यादा इस बीमारी के केस बच्चों ही में देखने को मिले हैं और तेजी से बढ़े हैं इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जिसको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी ये रिपोर्ट है एम्स की एम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से ये बीमारी ज्यादा सामने आ रही है अगर आपके बच्चे भी घंटों घंटों तक मोबाइल टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन पर डटे रहते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि यही लत उन्हें माओपिया का शिकार बना रही है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली की हालिया रिपोर्ट की बात अगर मानी जाए तो 20 सालों में छोटे छोटे बच्चों में माओ पिया की बीमारी तीन गुना बढ़ गई है रिपोर्ट की बात मानी जाए तो 2001 में अकेले दिल्ली में माओ पिया के सात फीसदी केस थे मोबाइल का चलन बढ़ने पर 2011 में 13.5 पॉइंट फीसदी केस हो गए यानी सात फीसदी का इजाफा हुआ है और बहुत तेजी के साथ ये फैला है इसके अलावा अब 2021 तक 21 फीसदी बच्चे माओ पिया का शिकार हैं आपको खुद जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा